हाय गाइस, बात कर लेते हैं आज की समरी की। और आज लाइव ट्रेडिंग वीडियो तो नहीं बन पाई, शायद एक क्लिप डाल दूंगा, रिकॉर्ड हुई थी बट ऑडियो नहीं हुआ। ठीक है, बट काफी अजीब सा दिन था। और मैंने पोस्ट मार्केट अपना एनालाइज करा तो मैंने भी देखा कि मैंने कोई खास ट्रेडिंग अच्छी करी नहीं। मतलब मैं पुट्स की साइड कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था मेरे हिसाब से, और कॉल्स में मैं अग्रेसिव हो रहा था बार बार, तो इट काइंड ऑफ बैकफायर्ड हर तरीके से। बट MTM एक टाइम पे -10,000 था, लेकिन उसको बचाते बचाते एंड में समहाउ वी क्लोज दैट अबाउट 3,000 के प्रॉफिट पे। ये एक्स्ट्रा दिखा रहा है, उतना है नहीं प्रॉफिट। ठीक है, तो और अगर आप कमाल की चीज देखो आज क्या हुआ मार्केट में ना, सबसे पहले तो देखो हम कल की कैंडल के अंदर रहे पूरा टाइम, एक दो बार लोस के आसपास आए। इस कैंडल पे अच्छी स्पाइक आई थी, इस कैंडल पे अच्छी पुट स्पाइक आई थी, बाकी कहीं पुट स्पाइक नहीं आई। बट इन दो कैंडल्स के टाइम मेरे को उम्मीद थी कि टूटेगा, और अगर लो टूटता तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि काफी बड़ी स्पाइक आएगी, बट वैसा हुआ नहीं। तो वैसा होता तो बढ़िया पैसे बनते, बट क्योंकि वैसा हुआ नहीं तो ऑब्वियसली पैसे भी नहीं बनेंगे क्योंकि कॉल्स ज्यादा सेलिंग थी। बट कॉल्स ने इन द एंड काफी टॉर्चर दिया, मैं बताता हूँ वो क्या हुआ। ये देखो, ये 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है, वेंट फ्रॉम 1570 टू 1612, मतलब 40.1 मिनट के अंदर अंदर, वो भी एवरेजिंग के अंदर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ना क्या हुआ है तो आप हैरान हो जाओगे। 19600 की पुट नहीं, 19600 की कॉल खोलते हैं हम, तो ये आपको दिखेगा मार्केट ने क्या ब्लंडर करा है सबके साथ, बहुत बुरा हुआ है। ये 1 मिनट की कैंडल बजाय ये 60 पैसे की चल रही थी, 60 पैसे, रियलाइज करना, 60 पैसे से ये गई है 15 रुपए तक। तो अगर आप हिसाब लगा सको कि समहाउ वो कितने 1000% का गेन हुआ इस कैंडल में, और इन दी एंड क्लोज एट अबाउट 6, मतलब समझ रहे हो आप, उससे पहले भी ये एक बार गई है। देखो 15 और 1 ही कैंडल के अंदर 4, बैक टू 60 पैसे, और 60 पैसे से 15 और फिर 6। तो मतलब जो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड मूव था ना 3 बजे का, ये कुछ ज्यादा ही अनरियलिस्टिक मूव था, और इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मेरा लक कह लो, एक्सपीरियंस कह लो, कि आई गॉट आउट एट 1.5। ठीक है, क्योंकि यार 60 पैसे, 3 गुना हो गई कॉल, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप देखो तो 1.5 पे आई वॉज आउट, और इतने सारे रिजेक्टेड ऑर्डर हैं आज। मार्जिन की प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ज्यादा, बट ठीक है, इन दी एंड ब्रेक इवन समझ लो आप, क्योंकि ऑर्डर्स भी हैं, चार्जेस भी हैं, और कुछ नहीं बना। बट ठीक है, कम से कम 10,000 का लॉस था, वो तो कवर हो गया। अगर वो घर चले जाता तो ज्यादा दिक्कत आती। जब तक लॉस नहीं है तब तक आई एम वेल एंड गुड, और देखते हैं, अच्छा प्रीमियम का वेट कर रहे हैं, देखें कब तक मार्केट टेस्ट करती है लोगों को। बैठे हैं भाई, ठीक है।